दोस्तों आज हम आए हैं हिमाचल मैक्लोडगंज की एक हार्ड वर्किंग लेडी के पास जो अपना यहाँ तिब्बतन कैफे चलाती हैं, जहाँ बहुत ही पसंद किया जाने वाली डिश लाफिंग बनाती हैं और यहाँ पर बनने वाली पूड़ी सब्जी जिसको यूशंग बोला जाता है वो भी बनाती हैं। मैक्लोडगंज वही जगह है दोस्तों जहाँ दलाई लामा रहते हैं और यहाँ पर काफ़ी मॉन्क्स भी रहते हैं। तो आइए आज आपको हम मैक्लोडगंज हिमाचल का एक अनोखा जायका दिखाते हैं और आज आपको यहाँ खा करके भी बताते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा। मेरा नाम है आशीष और जैसा कि आपको पता था कि हम लोग पहले धर्मशाला थे और धर्मशाला से हम कल आए थे मैक्लोडगंज, जो कि धर्मशाला से 9 किलोमीटर की दूरी पर ही है और ये बहुत ही एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस है जहाँ दलाई लामा और इनके जो मठ होते हैं उसके लिए बहुत फेमस है। और यहाँ का जो मार्केट है ना, मतलब जैसे ही आप मैक्लोडगंज आते हो तो आपको सबसे पहले तो मैक्लोडगंज का ये सेंटर जहाँ सारी शॉप्स होटल्स वगैरह जिसको बेस बोलते हैं, है ना, वो दिखेगा। फिर वहीं से जब आप ऊपर की तरफ जब आप आएंगे तो इसको टीपा रोड बोला जाता है। तो इस टीपा रोड पे एक ये सांपा कैफे है। अंदर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या लोकल मिल रहा है और उसका जायका लेंगे और आपको बताएंगे। आइए अंदर चलते हैं। ये है कैफे, है ना, सब बेकरी आइटम्स भी है ना। हाँ जी, और चॉकलेट केक, सिनेमन रोल और है ये वाला है क्रोसन। क्रोसन, हाँ जी। और यहाँ ज्यादातर फॉरेनर्स आते हैं कि लोकल आते हैं? मिक्स आते हैं। मुद्दे की बात पे आते हैं, यहाँ सबसे अच्छा खाना क्या मिलता है? यहाँ सबसे अच्छा खाना मेरा दिल से जो है वो सबसे अच्छा मेरा लाफिंग पंडा है। लाफिंग, हाँ जी। उसके बाद आलू पूरी, कस्टमर के हिसाब से मिक्स वेज मोमो कस्टमर पसंद करते हैं। हम इसकी मेकिंग दिखा सकते हैं? जी हाँ। क्या बात है, और ये पर्दा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा ट्रेडिशनल है। हाँ, ये टिबेटियन स्टाइल है, ये ट्रेडिशनल फील दे रहा है। हाँ, ये है किचन आपका, राइट? हाँ जी, ये हमारा किचन है। बहुत बढ़िया जी। हाँ, लेकिन क्लीन है, मैं देख रहा हूँ हर जगह। हाँ, किचन है तो बहुत छोटा, पर हम लोग सबसे ज्यादा मेंटेन करते साफ सुथरा, साफ रखते हैं। उसकी बात खाने का क्वालिटी, बिल्कुल ठीक बात है। आपके यहाँ जो है लाफिंग, हाँ जी, वो लाफिंग कैसे बनता है वो भी एक बार आप बता दीजिए प्लीज। ये है, तो ये लाफिंग है। हाँ जी, क्या बात है जी। तो ये किस, ये कैसे बनता है सबसे पहले आप बता सकते हैं? ये आटे से बनते हैं। यहाँ नॉर्मल आटा जो होता है, पहले पानी होते है, पहले पानी होता है, कैसा होता है ये है क्या? हाँ जी। ओके, अभी यहाँ बन रहा है लाफिंग पकाना। ओके, हाँ। और ये जो बैटर है जो आपने अभी डिस्क्राइब किया था, ये ऐसे थाली में डाला जाता है पहले, है ना? हाँ। बहुत बढ़िया। हाँ। ओके, और उसके बाद में ये स्टीमर है जी, है ना, और इसमें देखो दोस्तों पहले से पानी है। करो। ये देखो यार, अभी ये घुमा दिया इसको, बहुत बढ़िया। तो ये स्टाइल है इसको बनाने का, यहाँ लोकल मैक्लोडगंज में बनता है, वैसे तो स्ट्रीट साइड में बहुत होते हैं इसका। अच्छा, बहुत फेमस है, लेकिन कैफेज में शायद हमारा यही होता होगा, और मैंने दूसरा कैफे में देखा ही नहीं है बस अभी तक। पकने के बाद जी वो आता है इस पानी में। अच्छा, ये ठंडा पानी है लेकिन? हाँ, ये ठंडा पानी है। ओके, तो देखो दोस्तों, ये इन्होंने स्टीमर खोल दिया है और ये बन करके आ गया यहाँ पर। वाह, तो ये डाल दिया ठंडे पानी में। ठंडे पानी में ये आ गया, उसके बाद ये ठंडा होने देता है यहाँ, फिर यहाँ से निकल के इसके ऊपर रखता है। ओके, इसको ऊपर रख के इतना सा बना के फिर हम लोग ये जैसे यहाँ से निकल के जी यहाँ से इस तरीके से निकाला जाता है। आप देखिए ये देखो, ये इस तरह से निकाला जाता है। हाँ जी, और फिर इसको ऊपर रखता जाता है, इस थाली के ऊपर रखा जाता है ना। देयर्स एक थिंग में हम लोग एप्रोक्सीमेटली मिनिमम 30 से 50 का बीच में बनाता है। 30 से 50 एक दिन में बना देते हो, है ना। चलिए, मैंने यहाँ से लिया, बिल्कुल इसके ऊपर रखा, इसके ऊपर रखा। ओके जी, अब मैं लाफिंग बना देती हूँ। तो अब लाफिंग में सबसे पहले आप क्या डाल रहे हो? लहसुन, लहसुन डाल दिया, गार्लिक डाला, उसके बाद ये क्या चीज है इसमें? अखरोट भी दिख रहा है मुझे, ये लाफिंग का मिर्ची है। लाफिंग का मिर्ची, और इसमें अखरोट क्यों डाले आपने? अखरोट जो है टेस्ट अच्छा आने के लिए। अच्छा, और वो भी पैक्ड? हाँ। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये यहाँ की लाफिंग की एक चटनी बना के रखी है जो इसके ऊपर जाएगा। पहले तो इन्होंने गार्लिक डाला है, अभी ये जा रहा है। पहले डाला हमने लहसुन, उसके बाद डाला हमने लाफिंग का चटनी जो है मिर्ची, हिंदी में मिर्ची। ओके, फिर हरा प्याज थोड़ा सा डाला, ये हरा प्याज, फिर हम डालते हैं नमक थोड़ा सा, ये सोया सॉस है, उसके बाद सोया सॉस ऐसे करके डाल के हम ऐसे बनाते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, ये बहुत ट्रेडिशनल डिश है आपकी, है ना। हाँ, और बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से बन भी रही है। बहुत बढ़िया, मोस्ट ऑफ इंडियन लव इट। और ये जो है
अभी जो है इसको प्रोसीजर करने से पहले एक होता है ओके आटा को गुना के स्टफिंग निकलते है स्टफिंग मतलब कि ये अंदर जो लफिंग का अंदर जो डालने के लिए मेन चीज जो लोग यही पूछता है अच्छा तो लोग सोचता है कि ये सोयाबीन है लेकिन ये सोयाबीन नहीं है ये आटा से बनता है हमारा यहाँ लेकिन कई जगह दूसरा जगह में किस तरह बनता है मुझे नहीं पता लेकिन okay. हमारा यहाँ बनता है आटा से ही बनता है उसका पूरा प्रोसीजर करके तो ये आपने सारी चीजें डाल के इसको गोल करके और इस तरह से अब देखो कटिंग की जा रही है बहुत बढ़िया वाओ तो देखो इस तरीके से कट लगाकर अब इसको सर्व कर दिया जाएगा राइट यस और मैंने ये भी सुना था कि लाफिंग बहुत तरीकों से बनाया जाता है हाँ जी तो उसमें से ये वाला जो है ये ड्राई लाफिंग है राइट जी बहुत बढ़िया देखो कितना सही लग रहा है यार ये प्लेट में अब स्ट्रिट साइड में किस तरह होते हैं पता नहीं हमारा यहाँ इसी तरीके से बना दिया जाता है ओके तो पीनट्स डाले जा रहे हैं इसके ऊपर हाँ जी और उसके बाद हरा प्याज उसके बाद एक सीसी बहुत बढ़िया ये रेडी है ये रेडी हो गया वाओ देखो दोस्तों ये है लाफिंग बहुत ही ट्रेडिशनल और लोकल चीज है तिब्बत का राइट yes. और हम ये मैक्लोडगंज में खा रहे हैं हाँ. हिमाचल yes. और आपकी हिंदी बहुत अच्छी है थैंक यू बनाएंगे अभी सबसे पहले आलू पूरी तो हाँ. ये बैटर है हाँ, और ये पूरी का ये इन्होंने अभी जस्ट बेला है आटा हाँ, राइट हाँ. तो ये आटा में क्या क्या है एक बार बता सकते हैं आप दही डालते हैं थोड़ा सा चीनी डालते हैं फिर बेलता है ओके और ये मैदा है मैदा नहीं आटा है आटा है हाँ, ये आटा सफेद आटा है सफेद आटा ओके हाँ ये इन्होंने यहाँ पे बेल के और ये दो कट्स लगाए हैं ना हाँ जी वजह जो है तेल अंदर नहीं घुसेगा ओके और ये फूलेगा अच्छी तरह अच्छा और हाँ पूड़ी इतनी बड़ी होती है हमारे यहाँ इसको बटूरा बोला जाता है ये बटूरा नहीं है ये हमारा है इसको युशंग शायद युशंग जो है चाइनीज लैंग्वेज है मेरे ख्याल से ओके चाइनीज लैंग्वेज में युशंग बोलते हैं हम आलू युशंग करके बेचते हैं बनाने का स्टाइल जो है वही है युशंग का स्टाइल बहुत बढ़िया तो ये देखिए ये उठाया इन्होंने और यहाँ पर इस तरह से वाह क्या बात है तो दोस्तों ये देखो ये पूरी बिल्कुल बन करके हो गई है रेडी और बिल्कुल क्रिस्प लग रही है अभी है ना ब्राउन तो ये है पूरी आपका आलू है ना जो इसके पूरी के साथ सर्व करते हैं बहुत हाँ बढ़िया क्या क्या डालता है इसमें भी एक बार बताइए प्लीज मसाले में सबसे ज्यादा इसमें मिक्स मसाला एक है हाँ हाँ। और एक पंचफोरन है मसाला पंचफोरन मसाले का नाम है राइट हाँ जी और टिक्की मिर्च डालता है लेकिन बहुत सही लग रहा है ये और पूरी साथ पूरी हम ऐसे करके सर्व करते हैं और हम इस पे दो पूरी रखते हैं क्या बात है तो दो पूरी और सब्जी हाँ जी राइट तो ये एक प्लेट हो गया हाँ जी इसका क्या प्राइस होता है इसका 80 रुपीज बहुत सही है नहीं सही है हाँ, आपको ज्यादा लग रहा है नहीं ज्यादा तो नहीं लग रहा है हमारे वहाँ तो बहुत सस्ता है ये 80 रुपीज में अगर आप दो पूरी इतनी बड़ी और ये सब्जी दे रहे तो बहुत हाँ। ही अच्छा अब ये है आपकी दोनों ऑर्डर्स ऑर्डर लग चुकी है ऑर्डर लग चुका है दोस्तों तो ये तो है हमारी पूरी और आलू जो कि तिब्बत में थोड़ा सा अलग होता है आज जायका खा करके देखेंगे और ये है हमारा लोकल डिश सबसे फेमस लाफिंग Wow, and you have a beautiful place, really. ये है हमारा कोल्ड कॉफी होममेड कोल्ड कॉफी है wow. और ये है हमारा इम्यूनिटी बूस्टर यस ये किससे बनता है इम्यूनिटी बूस्टर बनता है एप्पल बीरूट कैरेट और उसमें थोड़ा सा अदरक डालते हैं और मिंट डालते हैं तो हम उसको बोलते हैं इम्यूनिटी बूस्टर हेलो दोस्तों वेलकम टू वर्चुअल बंजारा हिमाचल की ना बात कुछ और है और हिमाचल में भी मैक्लोडगंज की बात बहुत सही है मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्या वादियाँ हैं यार मतलब पहाड़ों के बीच में बादलों के बीच में एक मार्केट उसके बाद इतनी सही ट्रेडिशनल चीज़ें खाने को अगर आपको मिल जाए और उसकी मेकिंग मिल जाए तो क्या ही कहने तो ये दोनों चीज़ें ट्रेडिशनली बनाई जाती हैं यहाँ की लोकल हैं लोकल लोग बहुत पसंद करते हैं इसको तो आज हम ये खाते हैं और आपको बताते हैं कैसा है टेस्ट इसका इसको बोला जाता है लाफिंग ठीक है और लाफिंग बहुत तरीकों से बनती है ये ड्राई वाली है इसमें सूप की तरह भी इसको दिया जाता है बट ये हमने ड्राई वाली ली है ये है इसका देखो एक पीस और ये आटे का है ये मैदा नहीं है हमने ये चीज़ क्लियर की एक बार खा और इसके अंदर जो फिलिंग डाली थी ना इन्होंने उसमें भी आटे का कुछ एक चीज़ बना हुआ था वो इन्होंने डाला खा करके देखते हैं देखो इसका मैं आपको बता दूँ कैसा लग रहा है इसकी ये जो आउटर लेयर है ना ये वाली ये तो बहुत सॉफ्ट है मतलब आप खाएंगे ना इसको तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब वो जो मोमो की लेयर होती है ना वो थोड़ी हार्ड होती है बट ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है
और इसके अंदर जो जो स्टफिंग हुई है ना वो थोड़ी सी सिमिलर टू मोमोज आपको फील होगी। और ये देखो सेसेमे सीड्स हैं इसके ऊपर, ये पीनट है, थोड़ी सी इन्होंने ये हरा प्याज भी इसके ऊपर डाल करके दिया है। लोकल जायका जो कि आपका पेट भी भरेगा और आपका मन भी। एक और बाइट, मतलब मैं ये कह सकता हूँ मोमोज से तो 10 गुना अच्छा है। जब मैं पहाड़ों में आ रहा था तब मैंने ये सोच लिया था कि मैं मोमो और मैगी तो नहीं खाऊंगा, कुछ ऑथेंटिक खाऊंगा, कुछ नया खाऊंगा। तो ये नई चीज़ें हैं, बाकी बहुत सी बनाया इन्होंने। देखो जब आप इसको खाओगे तो ये आउटर लेयर तो आपको बहुत ही क्रीमी फ्लेवर देगी, जो जो इसके अंदर की स्टफिंग है और जो ये पीनट्स इन्होंने डाले थोड़ा सा क्रंच देंगे, जो सॉसेज इन्होंने लगाई है ना वो आपको थोड़ा सा तीखापन देंगे। तो वो तीनों फ्लेवर्स जब आपके मुंह में चल रहे होंगे ना आपकी बाइट में तो बिल्कुल ही मतलब अच्छा फील हो रहा होगा। अब ये हमने आपको दिखा दिया, इसको थोड़ा साइड करते हैं, अब आते हैं दूसरी डिश पर। तो ये है जी, ये देखो, तो ये देखो ये है यहाँ की पूड़ी। पूड़ी का साइज़ देखो यार, देख रहे हो, ये है यहाँ की पूड़ी का साइज़। हमारे यहाँ इतने भटूरे होते हैं और ये देखो थोड़ा सा खैर ठंडा हो गया है, वो शूटिंग के टाइम पे शूटिंग करते करते थोड़ा ठंडा हो जाता है, बट अपन इसको देखो इस आलू के साथ लेते हैं। ये देखो यार कितने मसालेदार आलू, जैसे नहीं होता ऐसा लग रहा है मैं दिल्ली में बैठा हूँ और आलू भटूरा खा रहा हूँ, बट प्रिपरेशन बहुत यूनिक है। ये देखो कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, खा करके देखते हैं, देसी कॉम्बिनेशन। ये ना उस तरह के आलू हैं जैसे घर में नहीं बनते, पहले आलू उबाल लिए जाते हैं फिर उसको कढ़ाई में डाल के ना टॉस किया जाता है मसालों के साथ, वैसे सी प्रिपरेशन है। और इन्होंने इसके ऊपर सेसेमे सीड्स और हरा प्याज डाला ना, इससे इसका जो टेस्ट है ना वो मतलब डबल हो गया है। ये तो इनका कैफ़े है, ठीक है, ये बेक आइटम्स भी देते हैं। मैंने सुबह को जब हम उठे थे तो मुझे चाय पीनी थी और जिस होटल में हम थे उनकी चाय 9 बजे से पहले मिलती नहीं है, तो हम यहीं आए थे चाय पीने सुबह को, तो हमने यहाँ पे इनका एक बेक आइटम लिया था और उसके साथ में हमने चाय पी थी, चाय बहुत अच्छी थी। तो अगर आप यहाँ आते हो और आपको अच्छी चाय भी पीनी हो ना तो आप यहाँ आ सकते हो। और बाकी ये दो डिशेस तो इनका तो क्या ही कहना है यार, बहुत सही। ये वाली जो डिश है ना ये वाली तो बिल्कुल वैसे सी डिश लग रही है जैसे अपन राजस्थान में भी खाते हैं, घर में बनते हैं जिस तरह के आलू, और ये पूड़ी बहुत ही सही। तो आई थिंक अब मैं इसको लपेट के खा लेता हूँ। और ये देखिए दो ड्रिंक्स भी इन्होंने मुझे दिए हैं, है ना, ये कोल्ड कॉफ़ी है यहाँ की और ये मैडम ने आपको बता ही दिया था इसके बारे में सब कुछ। तो हम एक कोल्ड कॉफ़ी का सिप लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ की कोल्ड कॉफ़ी कैसी है। बाकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है आप देख सकते हो। परफेक्ट परफेक्ट कोल्ड कॉफ़ी। मैं क्यों बोल रहा हूँ, मुझे ना मीठा थोड़ा कम पसंद है, ये बिल्कुल भी मीठा मतलब ज़्यादा मीठा नहीं है, कई लोग ओवर मीठी कर देते हैं कोल्ड कॉफ़ी को, बिल्कुल बैलेंस्ड मीठी है। उसके अलावा इन्होंने कहा था कि ये होममेड कॉफ़ी है तो वो होममेड कॉफ़ी का अलग सा एक टेस्ट आ रहा है, बहुत सही है यार। वन मोर सिप, बहुत सही यार। तो इतना अच्छा लंच करने के बाद अब अगर मैं आपको दिखाऊँ ना पीछे देखो कितनी सी दूरी पर इनका जो मेन चौक है ना वो कितनी सी दूरी पर है। इसका जो एड्रेस है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और हो सका तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा, अगर आप यहाँ आने से पहले भी कॉन्टैक्ट कर लें तो वो भी आप कर सकते हो। और देखो कॉफ़ी हमने पी, कॉफ़ी तो बहुत अच्छी थी। और एक और ये ड्रिंक है, ये है बूस्टर, जो कि मैम ने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया था कि इसको बूस्टर क्यों बोलते हैं। चुकंदर से बना होता है ये, बीट रूट से, एक बार पी करके देख लेते हैं इसको भी। वाह यार बहुत ही सही। तो इसका टेस्ट मैं आपको बता देता हूँ, ये बीट रूट का तो जो टेस्ट है ना वो आप स्वीटनेस के साथ में, और भी मेरे ख्याल से कुछ शायद इसमें भी वो मसाले नहीं डलते वैसा कुछ डला हुआ है जिससे कि चटपटा थोड़ा सा मीठा और बीट रूट का फ्लेवर आ रहा है। बहुत ही सूदिंग ड्रिंक है। देखो वैसे आप सबको बताए हम हमारी वीडियोज़ जो है यूट्यूब पर तो डालते ही हैं, हम हमारी वीडियोज़ फेसबुक और इंस्टा पर भी डालते हैं। इंस्टा पर आपको रील्स मिल जाती हैं, फेसबुक पर आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाती है। इसके अलावा हमने हमारी एक वेबसाइट भी लॉन्च विच इज़ www.virtualbanjara.com, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। और बाकी यार आप पीछे देखो ये फील देखो यार, देख रहे हो तिब्बत का फील बिल्कुल। ये मॉन्क्स जा रहे हैं यहाँ से मेन मार्केट में, अच्छा कैफे, अच्छा खाना, स्वादिष्ट खाना, और क्या चाहिए। हिमाचल ट्रिप है, ट्रिप में बने रहो, बहुत से नए जायके मैं आपको दिखाऊंगा और यहाँ ट्रैवल में क्या क्या चीज़ें और आपकी जानने की है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बने रहना मज़ा आएगा। इसके अलावा जो देखो ये जो दो डिशेज है ना बहुत पसंद आई मुझे, तो जो इनका ये है लाफिंग, लाफिंग की जो रेटिंग होनी चाहिए ना, मैंने पहली बार खाया है, इसकी रेटिंग ये होनी चाहिए जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, और बहुत सही डिश है ये। इसके अलावा जो आप ये देख रहे हैं ना ये तो मतलब ऐसा सा लगा कि मैं बिल्कुल
कहीं तिब्बत में हूँ ही नहीं, ऐसा सा टेस्ट है बिल्कुल घर वाला। तो इसकी जो रेटिंग है वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, और इनकी रेटिंग बकायदा यही होनी चाहिए, और बाकी सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो आई थिंक दिस इज इट फॉर नाउ, अब मैं आपसे मिलूंगा किसी और दिन किसी और नए जायके के साथ। टिल देन बी हैप्पी।